हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद विद एंड हियर आई एम बैक अनदर वीडियो सो दिस इज द पार्ट थ्री ऑफ द कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेड वी हैव स्टार्टेड तो हमने दो लेक्चर को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो वो लेक्चर्स को भी देखें ताकि आपके काफी सारे कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएंगे और दिस कंसेप्ट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू टू अटेम्प्टी एम सीक्यूज पेपर इन द एग्जामिनेशन तो अभी जो आपका पार्ट वन सेमिस्टर टू कॉर्पोरेट फिनेंस का जो पेपर होने वाला है वो ऑनलाइन मोड से होगा और वो ऑनलाइन मोड के बेसिस पे एम पैटर्न में होगा तो ये सारे एम से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हर चैप्टर से रिवाइज करने वाले हैं तो अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर ले लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ताकि आपको सारे पी सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए ऐप डाउनलोड करना ना भूले और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज अगले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहेंगे जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक आपको ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज इस चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं तो शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर वन के साथ फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेट प्रॉफिट शुड बी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट काफी कंफ्यूजिंग है तो ध्यान से आंसर करें इसको फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ द इंटरेस्ट कवरेज रेश अगर हम इंटरेस्ट कवरेज की रे, रेशो की बात करें तो हमें क्या करना पड़ता है हमें बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है जिसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म अगर देखें दैट इज कॉल्ड एज एन पी बी आई टी दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो इसीलिए हमें बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को ही कंसिडर करना है वेन एवर वी आर कैल्कुलेटिंग द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज टू बी कंसिडर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं द लीवरेज हैंग कंसॉलिडेटेड इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज इज तो अगर हम कंसोलिडेटेड इफेक्ट की बात करें कि ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का कंसोलिडेटेड इफेक्ट कौन से लिवरेज के बेसिस पे होता है कैपिटल गियरिंग ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज या कंबाइंड लिवरेज काफी सिंपल क्वेश्चन है अगर हम ऑपरेटिंग लिवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज के साथ तो हमें जो टोटल मिलता है हमें जो आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड एज दी कंसोलिडेटेड लिवरेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंबाइंड लिवरेज तो आपका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी कंबाइंड लिवरेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट या लिक्विड इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट अगर आप असेट्स में कर रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग में कर रहे हो तो क्या वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म करंट या लिक्विड है तो वो आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी दैट विल बी कॉल्ड एज योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हम बार बार थोड़ी परचेज करेंगे परचेजिंग द लैंड एंड बिल्डिंग फॉर द वन वन टाइम एंड देन वी कैन हैव द बिजनेस ऑन दैट लैंड एंड बिल्डिंग सो इसीलिए ऐसे टाइप के इन्वेस्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम द फाइनेंशियल एनालिसिस या रेशियो एनालिसिस का चैप्टर डैश रेशो मेशर्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे करंट लाइबिलिटीज तो ऐसा कौन सा रेशो है जो कंपनी की या फर्म की एबिलिटी मेशर करता है पेमेंट करने की टूवर्ड्स दी करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इमीडिएट सॉल्वेंसी या मॉडरेट टर्म सोल्वेंसी तो राइट आंसर इसका बनेगा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन आपका करंट रेशियो जो होता है वो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन दिखाता है तो इफ वी आर मेशरिंग द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे द करंट लाइबिलिटीज तो इट इज मेशर्ड एज पर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हम ये कौन से रेशो के बेसिस पे मेशर करेंगे वी विल बी दिस एज पर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर डैश गोल्स तो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी कौन से टाइप की गोल्स है कॉम्पिटिंग गोल्स डिफरेंट गोल्स सेपरेट गोल्स या फिनांस गोल्स तो आपको याद रखना है लिक्विडिटी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपस में कॉम्पीट करते हैं तो इसीलिए वो एक टाइप के कॉम्पिटिंग गोल्स माने जाते हैं तो ये था आपका कॉम्पिटिंग गोल्स इसका राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डिस्काउंट रेट शुड बी डैश टू डिक्रीज द गिवन फ्यूचर वैल्यू अगर फ्यूचर वैल्यू की बात करें तो डिस्काउंटिंग रेट को क्या करना पड़ेगा अगर आपके फ्यूचर वैल्यू को आपको डिक्रीज करना है तो उसके लिए डिक्रीज करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा मिनिमाइज करना पड़ेगा या कुछ भी नहीं करना है रिमेन सेम रखना है तो ध्यान रखना डिस्काउंट रेट को आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर आपके फ्यूचर वैल्यू को आपको डिक्रीज करना है तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं डिस्काउंट रेट शुड बी डैश टू डिक्रीज द गिवन फ्यूचर वैल्यू इफ यू वांट टू डिक्रीज योर फ्यूचर वैल्यू फॉर डिक्रीजिंग द फ्यूचर वैल्यू यू शुड उंटिंग डिविडेंट पॉलिसी लॉन्ग टर्म डिविडेंट पॉलिसी रेगुलर डिविडेंट पॉलिसी या इरेगुलर डिविडेंट पॉलिसी तो कॉन्स्टेंट पे आउट रेशो जो है कॉन्स्टेंट पे आउट का मतलब क्या है कंपनी जो है वो एक स्पेसिफिक रेट में डिविडेंड पेमेंट करता है और वो पेमेंट करते ही रहेगा एज पर द स्पेसिफिक रेट्स तो राइट right आंसर आपका यहाँ पे बनने वाला है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी राइट आंसर क्या बनेगा स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर इज नोन एज डिविडेंड पे आउट डिविडेंड ईल्ड डिविडेंड पर शेयर या अर्निंग पर शेयर विच इज कॉल्ड एज ई तो डिविडेंड पर शेयर की और अर्निंग पर शेयर की अगर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करें तो वो रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड पे आउट तो हम क्या कहते हैं डिविडेंड पे आउट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द दिन ओ आई अप्रोच तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं जैसे कि हम बात करें तो नेट इनकम अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच मॉडिग्लिनी मिलर अप्रोच दीज आर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विच आर बेसिकली गिवन बाय द डेविड ड्यूरेंड और मॉडिग्लिनी मिलर ऐसे लोगों ने ये अप्रोचेस दिए थे कि कितने परसेंट आपको डेट यूज करना है कितने परसेंट आपको इक्विटी यूज करना है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा है कि इनमें से कौन सा अजम्पशन नहीं है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का डेट कैपिटलाइजेशन रेट चेंजेस कॉन्स्टेंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज कॉल्ड एस डब्ल्यू नो कॉरपोरेट टैक्सेस स्प्लिट बिटवीन द डेट एंड इक्विटी इज नॉट इंपॉर्टेंट तो ध्यान से याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है इनमें से सारे के सारे आपके नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के एजम्सन है कॉन्स्टेंट डब्ल्यू भी उसका एजम्शन है कॉरपोरेट टैक्सेस नहीं होते और डेट और इक्विटी में स्प्लिट नहीं होता तो स्प्लिट बिटवीन डेट एंड इक्विटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वो तो ये भी एक उसका ही एजम्सन है लेकिन डेट कैपिटलाइजेशन रेट चेंजेस ये उसका अजम्शन नहीं है बिकॉज डेट कैपिटलाइजेशन चेंज नहीं होता वो सेम रहता है तो दैट इज वाई ये आपका अजम्सन नहीं है तो राइट आंसर आपका यहां पे बनने वाला है डेट कैपिटलाइजेशन रेट चेंजेस एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रॉस प्रॉफिट रेशियो इज बैलेंस शीट रेशियो रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो कंबाइंड रेशियो या शॉर्ट टर्म रेशियो तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आई थिंक सभी को फॉर्मूला आपको पता है इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है जीपी डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू हंड्रेड एंड इट इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनकम स्टेटमेंट रेशियो तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बनने वाला है इनकम स्टेटमेंट रेशो एट सेट फ्रॉम दिस सेशन तो आज के सेशन में हमने टेन एम सी की उसको रिवाइज कर लिया है ये सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे में एक कंबाइंड पी डी एफ बना के टेलीग्राम के चैनल के ऊपर और ऐप के ऊपर शेयर करने वाला हूँ तो ऐप डाउनलोड कर ले बहुत सारा मटेरियल आपको वहाँ पर फ्री में मिलने वाला है और इसी तरीके से प्रिपेरेशन को कंटिन्यू रखेंगे थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर